लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक आधी वीडियो जो शो करे, जो उसने किया उससे पहले वो उसने नहीं शो किया। जो आधी वीडियो शो करके क्या करना चाह रहा है ये आपको जानना चाहिए। चंद रोज कबल कराची के इस्लामिया कॉलेज के करीब एक वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें खातून एक शख्स की चप्पल से धुलाई कर रही है। इस वीडियो में नजर आने वाला शख्स और चप्पल बरदार खातून कौन है, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में नजर आने वाला शख्स कोई मुराद अली शाह का भाई नहीं है, बल्कि एडवोकेट सैयद मुरीद अली शाह है और इसका मुराद अली शाह या उसके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। चंद रोज कबल वीडियो वायरल होते वक्त इस शख्स को मुराद अली शाह का भाई जाहिर किया गया था। ताहम वजीर आला ने इस बात की सख्ती से तरदीद की। अब आपको बताते हैं इस वीडियो में नजर आने वाली खातून कौन है और बिल आखिर इस पुरतशद्दुद रवैये की वजह क्या बनी। फ्यूचर टीवी ने इस पूरे मामले पर तहकीक की तो मामला जायदाद का तनाजा सामने आया। वीडियो में नजर आने वाली खातून है हुस्ना कुरैशी और ये इस्लामिया कॉलेज के ट्रस्टी मोहम्मद हुसैन कुरैशी की साहबजादी हैं। वकुआ के वक्त खातून वहाँ क्यों गईं और ये वाकया कैसे पेश आया, ये जानते हैं हुस्ना कुरैशी की अपनी जबानी। मैं हुस्ना कुरैशी, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हुसैन कुरैशी, उनके वालिद का नाम अब्दुल रहमान कुरैशी, फाउंडर इस्लामिया कॉलेज। जो वीडियो आपने चंद रोज पहले देखी जिसमें मैं एक आदमी के ऊपर तशद्दुद कर रही हूँ और वो अपने कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, वो आपने आधी वीडियो देखी। ये वायरल की गई है वीडियो अपना इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट के यूज़ करने के लिए। इसका मुराद अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ 10:30 उस दिन और हम लोग अपने वालिद साहब के जनाजा लेके वहाँ गए और ये मुरीद अली शाह एडवोकेट, जो मेरी सगी फुपी का बेटा है और हमारा फैमिली मेंबर भी है, और उसने जायदाद के लिए और प्रॉपर्टी के लिए मेरे वालिद की कब्र का काम रुकवा दिया, मज़दूरों को बाहर निकाल दिया, सब मेरे साथ जो लोग थे मेरी फैमिली फ्रेंड्स उन लोगों को धक्का दिया, मार कूटा, मुझे मारा, मेरे बाल नोचे, रोडों पे मुझे जलील किया, कहा यहाँ नहीं दफना सकते। उसने जनाजे की बेहरमती की, उसने हम लोगों को अपनी सारी सोर्सेज, जितनी फोर्स, जितने उसके कॉन्टैक्ट्स थे, उसने वो सब हम पे इस्तेमाल किए।